अब मैं चाहूंगा हमारे जिले के पुलिस कप्तान जो काफी एक्टिव है, साइकिलिस्ट तो है ही सही और स्पोर्ट्स और बाकी गतिविधियों में भी उनका काफी इंटरेस्ट है, उनसे ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम सभी हम चाहेंगे कि उनसे कुछ सीखें, वो हमें मार्गदर्शन करें। आदरणीय एसपी सर, आदरणीय कलेक्टर साहब, मेरे साथी एडीसी एसपी साहब, डीएमएसओ साहब, एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब और ऑफकोर्स ब्यावरा की हमारी हीरो तान्या और यहाँ पर उपस्थित सभी समाज के मैनेजर, मैं सबसे पहले तो आपको 111वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही पत्रिका समूह को उनके 67वें स्थापना दिवस की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये मैं अभी रस्ते में बात कर रहा था तो मुझे लगता है मैं पहली बार इस तरह से ब्यावरा में ऑलमोस्ट 3 साल यहाँ रह लिया, हर दिन ब्यावरा आना पड़ता है, पर पहली बार ब्यावरा को इस तरह से साइकिल के माध्यम से अंदर से देखने का मौका मिला एंड वाकई बड़ा सुंदर शहर है, बड़ा एक्टिव शहर है और मुझे तो इकोनॉमिक्स के बारे में भी बताया जा रहा था कि व्यापार का किस तरह से ये केंद्र है और किस तरह से यहाँ ईमानदारी से व्यापार किया जाता है, इसी वजह से जिले का सबसे आकर्षक बिजनेस सेंटर है। तो उसके लिए ब्यावरा के सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। साइकिलिंग एक बहुत अच्छा स्पोर्ट होता है, आपको सुबह सुबह घूमने को भी मिलता है, देखने को भी मिलता है और आपके ओवरऑल शरीर के लिए तो बहुत अच्छा रहता ही है। साथ ही तान्या ने जैसे अपनी स्टोरी बताई तो हमें ऐसे लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है जो हम लोगों को मुश्किल वक्तों में भी मोटिवेट करते हैं और ऐसी स्टोरीज हम लोगों को याद रहती है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो तान्या को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपकी प्रेरणा से निश्चित ही हमारा ब्यावरा कुछ सीखेगा और मैं उम्मीद करता हूँ ब्यावरा के सभी साइकिलिस्ट जो डेली हमें प्रेरणा देते हैं और जो लोग हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि साइकिलिंग को वो अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए वो एक अच्छा मैसेज पैदा करेंगे और साइकिलिंग निश्चित ही आज के मतलब बहुत व्यस्ततम शेड्यूल में जहां हमारे शरीर को बीमारियों ने घेर लिया है वहां के लिए प्रतिदिन की आधा घंटा एक घंटा की जो साइकिलिंग है वो काफी मायने रखती है। मैं उम्मीद करूंगा कि ब्यावरा इसे कई बार साइकिलिंग एक तरह से मेडिटेशन का काम भी करता है, आप साथ में फिजिकल वर्कआउट तो करते ही रहते हैं लेकिन साथ में जिस समय आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं क्योंकि आप उस समय कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं तो उस समय आप चिंतन कर सकते हैं, एक तरह से वो मेडिटेशन का काम करता है, आप नई चीजों के बारे में सोचते हैं। जैसे आज भी यहाँ साइकिलिंग की गई और कुछ चीजें मेरे दिमाग में भी आई, अभी मैं अपनी टीम के साथ चर्चा करके कि किस तरह से ब्यावरा शहर की एक दो पॉइंट मैंने नोटिस किए तो उसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें हमारे माइंड में भी आती हैं और हम उसको टेकअप भी करते हैं। दूसरा, यहाँ पे साइकिलिंग का एक ये भी मैंने देखा है ट्रेंड, जो सिटीज ऐसी रहती है जहाँ पे जैसे यहाँ पे भी साइकिलिंग का एक ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पे अच्छा ग्रुप बना रहता है, लोग थोड़ा सा मिलजुल के साइकिलिंग करते हैं तो वो साइकिलिंग के साथ साथ बाकी जो शहर के इशूज हैं, समाज के इशूज हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, उनको पता रहता है क्या समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं जब आपको समस्याओं का आइडिया लगने लगता है तो उसके समाधान के प्रति भी लोग फिर जागरूक होना चालू होते हैं, उनका समाधान ढूंढते हैं, खोजते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है बहुत आवश्यक है, चाहे वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, साइकिलिंग की एक्टिविटी हो, किसी भी शहर के लिए, किसी भी समाज के लिए। और पत्रिका ग्रुप को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसको प्रमोट किया। आज मेरे भी मतलब काफी समय बाद साइकिलिंग की है, और जो पहले साइकिलिंग करता था राजगढ़ में भी एक दिन ट्राई किया था साइकिलिंग करना लेकिन चूंकि वहां का टेरेन थोड़ा सा अप एंड डाउन है तो एक दिन के बाद फिर वो दूसरे दिन कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो आज मौका दिया गया यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जिस तरह से तान्या ने अपना स्टोरी बताया, आप सभी से आग्रह है कि मतलब उनसे अपना मोटिवेशनल स्टोरी है और हम आगे भी ये प्रयास करेंगे कि इनको हम अपना कलेक्ट्रेट में बुलाते, हमारे जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं तो हमारे जो स्कूल है, स्कूल में जो बच्चे हैं तो आप उनको एड्रेस करें, उनको मोटिवेट करें। कई बार हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं वो छोटी छोटी या उनको लगता है कि छोटी मोटी परेशानी आ गई और पीछे हट जाते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति उसको फॉलो नहीं करते हैं, अपना पैशन फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको देख के कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेशन आएगा, उनको लगेगा कि अगर हमारा मतलब हमारे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए दूर नहीं है और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम कर नहीं सकते।
तो एक उसका भी प्रयास करेंगे और पत्रिका ग्रुप के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपकी प्रेरणा से हमें ऊर्जा मिली है और दुगना उत्साह हमें हुआ है कि हम दोबारा जिला प्रशासन और पुलिस के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कुछ और बेहतर कर पाए, सोसाइटी को कुछ अच्छा दे पाए। हमारी जो पत्रिका ग्रुप की मंशा है, हमारे जो संपादक हैं, हमारे जो प्रबंधक हैं, उनकी मंशा रहती है कि सोसाइटी से कैसे जुड़े, अखबार ऐसा हो जो हर व्यक्ति का हो। अखबार ये ना हो कि अखबार निकलकर रह गया, अखबार का मतलब है कि समाज में एक नया संदेश जाए, उसे लोग ग्रहण करें और अपने जीवन में अप्लाई करें और उससे कुछ परिवर्तन क्रियान्वयन उनके जीवन में आए, ये हमारी कोशिश रहती है। इसलिए साल भर हम ऐसी एक्टिविटीज, हमारी कोशिश रहती है, हमारी प्राथमिकता में रहता है कि पत्रिका ग्रुप इस तरह की एक्टिविटीज करता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।